दिनों से कोई कविता नहीं लिख पा रहा था, और इसी विषय को मैंने एक कविता करते हुए एक कविता लिखा। आखिर उन दिनों क्या होता है जब कोई कवि कोई कलाकार नई बात नहीं कह पाता है या कोई नई कल्पना नहीं कर पाता है। इन दिनों लिखना कुछ छूट सा गया है, आंखों को मानो लिखना कुछ छूट सा गया है। जाओ तलाशो रोशनी का कुंभ है कहीं नहीं, बस सुराखों से निकलना छूट सा गया है। कुछ गिरा नहीं फिर भी मानो कुछ टूट सा गया है। ईश्वर से जुड़ने का माध्यम रूट सा गया है। सागर का जल था अथा पर इन दिनों कुछ सूख सा गया है। सफर को चलने वाले पाँव में नुकीला कुछ चूक सा गया है। दिल से निकलती आवाजों कुछ भूत सा गया है। चीखों का बदलाव कुछ फूट सा हुआ है। प्रखर आवाज छूट घुट कर मूक सा हुआ है। चित्रों को खींचने वाला कलम आजकल चूक सा गया है। बसंत आने पर झूम उठने वाला मन कुछ ऊब सा गया है। हरा भरा वृक्ष कल्पना का कुछ ठूंठ सा हुआ है। दरिया सीमित हो मानो अनकूप सा हुआ है। बीज बोए जो वृक्ष के फूटे अंकुर पर आकार बस डूब सा हुआ है। विशाल पर्वत शिलाएं बस उड़कर कुछ सूख सा हुआ है। कृष्ण की प्रचंड ज्वालामुखी सीप की धूप सा हुआ है। तलवार लघु हो सुई के रूप सा हुआ है। मानो सम मानो पीतल स्वरूप सा हुआ है। सारे प्रतीकों का रूप सा हुआ है। उन दिनों लिखना कुछ छूट सा गया है।